हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईडी फैक्ट्री। आज हम लोग क्रैक करने वाले हैं क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कहता है कि मॉड जेड का क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z कंजुगेट माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है सो नॉन जीरो है, मतलब इमेजिनरी ऑफ जेड जो है सो हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है। ओके, अब आप जानते हैं क्या कि भाई जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई वाई होता है ना। एक्स क्या होता है? अपना रियल जेड होता है। वाई क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है। ओके, ये सभी बच्चों को पता होता है। क्वेश्चन में कुछ लिस्ट वन में कुछ आइटम्स दे रखे हैं, लिस्ट टू के भीतर में कुछ आइटम्स है, आपको मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल करना था कि जेड बराबर आप अगर ले लेते हैं एक्स प्लस आई वाई, तो फिर आप बहुत कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई? तो जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई है तो मॉड जेड कितना हो जाएगा? मॉड जेड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉड जेड का क्यूब करना है, इसका मतलब क्या हो गया? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चे? क्यूब हो जाएगा। ओके, प्लस टू टाइम्स जेड स्क्वायर है, मतलब टू टाइम्स हो गया x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या है भाई? 4 टाइम्स z कंजुगेट है, मतलब x माइनस आई वाई हो जाता है। ठीक है, माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इस 0 को राइट हैंड साइड का जो 0 है उसको 0 प्लस 0 आई आप लिख सकते हैं। मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में जो रियल पार्ट है उसको भी 0 से इक्वेट करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको भी अपन 0 से इक्वेट करेंगे, तो कुछ इक्वेशंस बनेगा, कुछ नहीं दो इक्वेशन बनेगा, है ना। कैसे? एक रियल पार्ट से आपका इक्वेशन बन जाएगा और एक इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगा? लेट अस सपोज कि हम पहले इमेजिनरी पार्ट वाला इक्वेशन को निकालते हैं, क्योंकि वो थोड़ा आसान होगा करने में। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स एक्स वाई आएगा, इंटू टू करेंगे मतलब 4 टाइम्स एक्स इंटू वाई, इमेजिनरी पार्ट आएगा इधर से। इधर से जो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा कितना आएगा? माइनस 4 वाई हो जाएगा। ठीक है भाई, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, राइट? 0 हो गया। तो इसको अगर हम थोड़ा सा फैक्टराइज कर ले, 4 टाइम्स वाई इंटू ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अब आपको कहता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नॉन जीरो है, मतलब वाई की वैल्यू 0 नहीं है, तो मतलब इसको अपन हटा सकते हैं। मतलब यहाँ से आ गया सिंपल सिंपल बात कि एक्स का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अब आपको क्या करना है? वाई का वैल्यू निकालना है। वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशन जो दिया हुआ है सो अब की बार जो है सो रियल पार्ट को 0 से अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो हमको वाई का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा भाई? तो यहाँ इक्वेशन लिख दो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, का कितना है? होल क्यूब है। ठीक है भाई, प्लस कितना हो जाएगा? रियल पार्ट ही खाली लिखना है, तो रियल पार्ट खाली लिखोगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। होगा नहीं होगा? यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई आई होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है सो माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे माइनस 1 आप लिख देंगे। ठीक है, प्लस लिख देंगे क्या? 4 टाइम्स एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपको क्या करना है? सिंपल एक्स का वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देना है। एक्स का वैल्यू अगर हम जैसे ही पुट करते हैं एक्स बराबर 1 इस वाले इक्वेशन में, तो हमको कुछ ना कुछ यहाँ से निकलने वाला है वाई का वैल्यू। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इसका क्या हो गया हमारा? क्यूब हो गया, प्लस 2 टाइम्स हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ से आपको निकालना है वैल्यू, y की वैल्यू कितनी होगी? यू हैव टू फाइंड दिस। सो हाउ कैन यू फाइंड इट? वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर t मान लो तो कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस t का होल क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस t हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 4 है उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 1 प्लस t का होल क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस 2t उधर जाएगा तो प्लस 2t हो जाएगा। ओके,
अब इसको अपन कैसे सॉल्व करें, तो 1 प्लस टी की पावर यहाँ पे 3/2 हो गया, तो इसको अपने को क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 1 प्लस टी का पावर आप क्यूब हो जाएगा, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस टी का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 को कॉमन ले लिए, दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं, तो यहाँ पे पावर 3/2 था, तो पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर जो पावर है हमारा, 2 को कॉमन ले लिया हूँ, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर से 1 प्लस टी का होल क्यूब तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या हो गया हमारा, 1 प्लस टी का वैल्यू जो बराबर हो जाएगा, सो 4 के बराबर होगा, तो टी की वैल्यू 3 हो जाएगी, मतलब वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, ±√3 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारा जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो बन रहा है, सो क्या क्या बन रहा है, ये भी चीज हम लोग अब फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा बना होगा, सो कुछ नहीं बना होगा, यहाँ पे 1 ±√3i बना होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जस्ट ऑप्शंस को चेक कर लेना है। तो कैसे चेक करेंगे ऑप्शन, बहुत आसान ढंग से कर सकते हैं, कैसे, मॉड जेड का स्क्वायर, तो जब 1 ±√3i है, तो मॉड जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 ±√3 का स्क्वायर मतलब 3, मतलब 4 का रूट मतलब 2 हो गया, तो मॉड जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब 4 हो जाएगा तो मतलब क्या होगा, पी का जो आंसर होगा हमारा, 2 वाला आंसर मैच करेगा। तो देखो, पी का 2 वाला ऑप्शन तीन तीन है, ठीक है, तीन तीन ऑप्शन है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। ओके, अब दूसरा देखो, जेड माइनस जेड कंजुगेट का स्क्वायर, तो जेड बराबर क्या आया है, 1 ±√3 आया आया है। ठीक है, तो जेड माइनस जेड कंजुगेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 ±√3i आ जाएगा, और माइनस करोगे तो -1 हो जाएगा, +√3i हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या कर देना है, हमें स्क्वायर कर देना है। ठीक है, स्क्वायर करना होगा इसके मॉड का, इसके मॉड का स्क्वायर करना है, तो यहाँ से -1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 2√3i आ गया। अब इसका मॉडुलस का स्क्वायर करना है, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, 2√3 ही होगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4 × 3 हो जाएगा, मतलब 12, है ना, तो Q का आंसर क्या होगा, 12 होगा, मतलब Q का जो वैल्यू आएगा, सो ये 1 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो Q का वैल्यू 1 वाला कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, Q का 1 वाला ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, यही वाला है, ये दोनों तो नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर B आ चुका है। अभी वेरीफाई करने के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा और प्रोसीड करके फाइनल टच देने के लिए, आप R और S का ही वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे R की वैल्यू निकालनी है, मॉड जेड स्क्वायर अभी आपने निकाला था, कितना था, 4 था, है ना, ये इसका वैल्यू 4 था, और जेड प्लस जेड कंजुगेट का स्क्वायर क्या होगा भाई, तो जेड प्लस जेड कंजुगेट अगर अपने को निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, जेड प्लस जेड कंजुगेट का वैल्यू कितना आएगा, 1 ±√3i था, है ना, 1 ±√3i था, इन दोनों को जोड़ना है, तो मतलब क्या होगा, आपका 2 आ जाएगा, कैसे, √3i - √3i तो कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, सो हमको 4 वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, तो मतलब R का 8 आना चाहिए, मतलब R का 3 होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 3 है ऑप्शन में। ओके, उसी ढंग से आप S वाले ऑप्शन को भी पकड़ के इसका भी काम तमाम कर सकते हो। कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप देखो कि जेड प्लस वन बात कर रहा है ना, तो जेड जेड की वैल्यू कुछ भी उठा लो, 1 ±√3 है ना, तो हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, ±√3i हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करना है, मॉड का स्क्वायर करना है, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, देखो 4 प्लस हो जाएगा 3, मतलब 4 × 3 हो गया 7, है ना, तो 7 का रूट करोगे, ठीक है, ये मॉड हो गया। अब इसका स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा, मतलब एस का जो आंसर आएगा सो 5 हो जाएगा। देखो एस का आंसर क्या है, 5 है। सो आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन है, सिंपल क्या करना था, रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके जीरो से इक्वेट करना था, और वहां पे आपको वैल्यूज को निकालने थे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी जेई एडवांस 2023 में पूछा है, तो 24 में भी आ सकता है, 25 में भी आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्वेश्चन आता है, या तो आपको मॉडुलस आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज से आएगा, नहीं तो क्वेश्चन आएगा आपका आर्गन प्लेन के प्रॉपर्टीज से। आर्गन प्लेन के प्रॉपर्टीज से भी काफी सारे क्वेश्चंस जेई में भर भर के आ चुके हैं,
तो आपको एक बार देखना चाहिए कि उन क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहिए। नहीं बनता है PYQ से आप सीख लो कि ऐसे क्वेश्चन हमें इस लेवल पे पहुंचना है, अपना लेवल को इस लेवल पे लेवल अप करना है। ठीक है, आप हमारे कोर्सेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पढ़ने में अगर उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, डाउट्स हो रहे हैं, अगर आपको डाउट बताने वाला कोई नहीं है, तो IIT फैक्ट्री आपके पीछे खड़ा है। IIT फैक्ट्री संपर्क कीजिए, कोर्स बहुत सस्ते दाम में आप इनरोल कर सकते हैं और आप अपना भविष्य बना सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।